सो फ्रेंड, यहाँ चल रही है मंदिर की सफाई। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। लाइट बाहर लाइट चली गई। लाइट खराब है, कोई फायदा नहीं है। लाइट आज बना दूंगी, आज लाइट पूरा एकदम जगमगा देंगे। फिर माँ का भवन जगमगा देंगे। और किस किस के घर में सफाई हो रही है यार नवरात्रि में ना, क्योंकि लड़के भी मिलते हैं। ये राधा कृष्ण अपना मस्त बांसुरी बजा रहे हैं। राधा कृष्ण यार, एक वो पहले था ना, यहाँ पेंट करना है इसको थोड़ा सा। बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। ये देखिए गाइस, बहुत ही ज्यादा मौसम खराब है बाहर। यहाँ मम्मी देखो, मम्मी मौसम खराब है ना। ये जो मैंने सोचा था ना काला वाला, इधर इधर दिखा, इधर साफ हो चुका है गाइस। ये देखिए तो गाइज, यहाँ पे ना मंदिर की साफ़ सफाई जो है एकदम डीप क्लीनिंग हो गई है। मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना पूरा सारी चीज़ें हटा करके साफ़ करूँगी। फिर अचानक से मन बना कि पूरा अच्छे से निकाल करके फ़ोटो वोटो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मैंने अभी होली में जल्दी ही साफ़ सफाई की थी। लेकिन फिर ना मन नहीं मानता ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देते हैं। अब अभी आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे ना अलग अलग तरीके की टाइल्स लगी है मंदिर में। तो यहाँ पर क्या था ना कि मंदिर हमारा ना पीछे की साइड है घर के, तो फिर बचे हुए टाइल्स थे, तो यहाँ पे ना एक वाइट वाली टाइल्स थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो ये हुआ कि यही लगा देते हैं। तो आप लोग भी देखो कितने अच्छे से हमने इसको डीप क्लीनिंग कर दिया है, और अभी हम ना मंदिर को फिर अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना कर सकूँ, और जो चीज़ें मेरे पास होती हैं वो मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरीके से देखने में, लोगों को भी देखने में अच्छे लगे, और हमारी जो माता रानी हैं और जितने भी भगवान जी हैं उनको भी अच्छा लगे। मंदिर की साफ़ सफाई जब हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ना अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करके, और उसके बाद फिर मंदिर को जो फ़ोटोज़ हैं सारी लगा करके, और बताए अभी फ़िलहाल बज चुके थे, रात के 8 बज चुके थे। और मैं जो है ना कम से कम मैं सुबह से आज लगी थी, और जिस दिन की ये वीडियो ना थोड़ा सा लेट जा रही है फ्रेंड्स, तो मैं सुबह से लगी थी, और फिर सुबह से काम करते 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 रात के 8 बज गए थे। उसी बीच में ना थोड़ा सा मार्केट भी गई थी, फूल लाना था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो करनी थी। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने काम वाम कर लिया है, और अभी ना जितने भी बर्तन मैंने धुल के रखे थे ना, उन सब बर्तनों को मैं पोंछ रही हूँ। और यहाँ पर नंदिनी मेरी वीडियो बना रही थी, तो मैं उसको कुछ कह रही थी, क्योंकि वो वीडियो ना अधिकतर जो है पूरा बहुत ज़्यादा हिला देती है, हिलाते हुए बनाती थी। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कि अच्छे से बनाओ। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे ना मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके रखे थे। ये सारा काम मैं सुबह ही कर चुकी थी, और अभी इसको पोंछ के रख दे रही हूँ, जिससे कि सुबह जो है कम काम रहे। और आपको पता है, जितना ही सोचती हूँ कि रात को सारा काम ख़त्म कर लूँ ना, सुबह उतना ही लगता है कि लेट हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। तो और ना आपको पूजा की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, तो मैंने कैसे मंदिर सजाया और क्या किया,
और ये जो उरली थी ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं हर कोई भी त्यौहार होता है ना तो उसमें इसको ज़रूर निकालती हूँ साफ़ करके, इसमें फ्लावर और पानी भर के फ्लावर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ना आपको पता ये सारी चीज़ें जब घर में रहें ना तो उन सब चीज़ों को निकाल करके कभी ना कभी यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वही है ना कि जब ज़रूरत पड़ने पर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या ही मतलब, घर को तो हमें सजाना चाहिए कि मतलब कि लोगों को भी अच्छा लगे और ख़ुद को भी अच्छा लगना चाहिए, कोई आए तो उनको देखने में अच्छा लगे, ऐसा सोच रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। हाँ गला काट दो बताओ ऐसे। अब इसी में सारा बर्तन करके रख देती हूँ, फिर सुबह फटाफट ले लूँगी इसी में से। अभी हम जा रहे थे कलर करने इसको, और मुझे भी जाना भी है कहीं, अभी ये जाएंगी कहीं पता नहीं कहाँ जाएंगी, देखते हैं। गाइस यहाँ हमारी दीदी कर रही है चावल को कलर। ये गुलाबी कलर रहा कि बाप रे पर्पल पर्पल। ये देखो गाइस इनके साथ धोखा हो गया। दीदी नहीं प्लीज यार प्लीज नहीं। तो यहाँ पर ना लगभग मेरे सारे काम हो चुके थे, बर्तन भी रख दिया था और चावल भी कलर कर लिया था। चावल तो कलश में यूज़ होता है तो उसके लिए मैंने कलर करके रख लिया था, रात भर में सूख जाता। उसके बाद थोड़ा सा सिंघाड़ा हुआ था तो मैंने इसको भी कूट लिया था, क्योंकि सबका व्रत रहेगा तो उसमें काम आएगा। और यहाँ पर दही भी जमा करके रख लिया है, दही तो चरणामृत बनाते तो उसमें काम आता है। सब गाइस तुम्हें से काम करते करते इतना थक चुके हैं ना कि अब मन कर रहा है बस फटाक से सो जाए। तो चलिए ना फटाक से आपको नवरात्रि की तैयारी दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया, मतलब सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या किया। तो सबसे पहले यहाँ पे ना सिंघाड़े का जो आटा है ना वो कूट करके रख लिया, सिंघाड़ा है ये कूट करके रख लिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया है। ये मूँगफली उसमें रखते हैं, और नंदनी हमारी जो है ना पढ़ाई कर रही है नंदनी मोबाइल भी चला रही है साथ साथ तो ये हमने अभी डिब्बे को यहाँ पे रखा है, इसको रखते हैं मंदिर में। तो ये आ चुके हैं मंदिर में, और ये देखिए ये रहा बाकी ना इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो पूजा की सारी चीज़ें इसमें रखी है। Thank you.